कर दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिर प्राची की शादी और सिड की शादी तो कैंसिल हो जाती है, लेकिन इधर डीएनए रिपोर्ट चेक होनी बाकी है, क्योंकि अब होगी डीएनए रिपोर्ट का सीधा सीधा खुलासा। वो खुलासा वैसे ही नहीं है दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सीधा सीधा खुलासा करते हुए नज़र आने वाले हैं रणबीर। रणबीर बोलते हुए नज़र आएंगे रिया से कि रिया एक काम कीजिए, अपना डीएनए चेक करवाइए एक बार, क्योंकि पीछे जो आपने डीएनए टेस्ट करवाया उस पर मुझे भरोसा नहीं है। अब मैं सामने हूँ और मेरे ही सामने डीएनए की रिपोर्ट आनी चाहिए, मेरे ही सामने अब अपना डीएनए टेस्ट कराओ। हालांकि दोस्तों पहले ही रिया करा चुकी है, लेकिन वो डीएनए नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था, जो कि खुद इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं यानी कि प्राची और रणवीर ये भी जानते हैं कि रिया कभी भी कुछ भी गेम खेल सकती है, और वो ही गेम खेला है। लेकिन इस बार बोल दिया है रणवीर ने कि जब तक रिया का डीएनए टेस्ट नहीं होगा, तब तक प्राची और सिड की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि खुद साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया है। और उन लफ्ज़ों की अगर बात की जाए तो रणबीर भी इस चीज़ को जानता है कि प्राची ने कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं किया है, और प्राची सिड से शादी क्यों करे। जब मैं प्राची से प्यार करता हूँ, प्राची मेरे से करती है, तो हम दोनों को ये सज़ा क्यों मिले, रिया की सज़ा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़, दिलचस्प नज़ारा वाकई में देखने को मिल ही रहा है। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें रिया डीएनए रिपोर्ट के लिए बोलेगी, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। रिया की खुलती हुई नज़र आने वाली कि ये प्रेग्नेंट ही नहीं है। साथ ही दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।